ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਮੱਛੀ ਲੱਭੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੈਗ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਹੋਰ ਗੱਡੇ ਜੀ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਚੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਖ ਮਾਈ ਇੱਕ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖ ਇਹ ਆਨੇ ਨੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ बेटे क्या हुआ था आपका नाम क्या है मोहम्मद उमर खलील बेटे आप किधर जा रहे थे कौन से गाँव बुरे वाला गाँव आपके पापा खलील थे आपकी मम्मा का क्या नाम नबीला और कौन था पापा का दोस्त क्या नाम उसका मौलवी कहते हैं आपकी बहन कौन थी बड़ी थी रीबा और आप जब इधर पहुंचे हो तो क्या हुआ वो तो फायरिंग करते रहे में हम बच गए जो भी मर गए उनको गाड़ी में रख दिया हमें उठा दो वो पहले उसका निकाल ले गए फिर वापस ला के पेट्रोल पंप पे आ गए ना हमें छोड़ के चले गए फिर वो सारे आदमी आगे मैं देख देख के कर एक आदमी ना वो आदमी कहता मैं आपको घर छोड़ने लगा उन्हें भी बाइक पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए हॉस्पिटल ले आए चलो अल्लाह तो उधर कौन कौन मारा गया था पापा मम्मा मेरी बड़ी बहन और मेरे पापा के दोस्त
तो बुरे वाले क्या करने जा रहे थे? चाचू की शादी थी। कौन से चाचू की? रिजवान। रिजवान की? गांव का पता है बुरे वाला कौन सा गांव? बस नाम ही आता है अंदर जाने का। अच्छा चलो ठीक। सर पहले वज़ीर आज़म साहब ने बात की है वज़ीर आला पंजाब से और उनको ये हदायत दी है कि वो फौरी तौर के ऊपर साहिवाल पहुंचे जहां पर आज एक वाकया पेश आया है जिसमें जो CTD है उसने ये कहा है क्लेम किया है कि उसमें दहशतगर्द मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ और बता रही हैं, बच्चों के इंटरव्यूज कुछ और बता रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह हदायत की है कि फौरी तौर के ऊपर हकायक जो हैं वो सामने लाए जाएं और उसके मुताबिक जो है वो फिर इंशाल्लाह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर CTD का वर्जन दुरुस्त ना हुआ तो यकीनी तौर के ऊपर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है और उनको एक निशान अबरत बनाया जाएगा और अगर उनका वर्जन ठीक हुआ और दहशतगर्दी हुई वो भी अवाम के सामने रखी जाएगी। सो दोनों जो सूरतें हैं उनमें वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है। चीफ मिनिस्टर अभी जो है वो लाहौर से बाहर थे, उनको फौरी तौर के ऊपर साहिवाल पहुंचने की हदायत की गई है और इंशाल्लाह ताला बताते लेटर सुनो सीरियसनेस को देखते हुए बताते वाली जगह को खुद और आईजी साहब हम यहाँ पहुंचे फौरी तौर पर हमने इसकी GIT कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जिसकी सरबराही एडिशनल IG कर रहे हैं जो कि बहुत ही क्रेडिबल ऑफिसर है, उनके साथ एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल है। फायरिंग के दौरान मौजाना तौर पर बच्चे बच जाने वाले बच्चे का बयान भी सामने आया है। बच्चे के मुताबिक रिश्तेदारों के पास वो बुरे वाला जा रहे थे। मजीद उस बच्चे का क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। बेटे क्या हुआ था? आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर खलील। हाँ? मोहम्मद उमर खलील। बेटे आप किधर जा रहे थे? कौन से गाँव? बुरे वाला गाँव। आपके पापा खलील थे, आपकी मम्मा का क्या नाम है? नबीला। और कौन था? पापा का दोस्त। क्या नाम उसका? मौलवी। मौलवी कहते हैं। आपकी बहन कौन थी, बड़ी थी? रीबा। रीबा। और आप जब इधर पहुंचे हो तो क्या हुआ? वो तो फायरिंग करते रहे। सुबह में हम बच के जो भी मर गए उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले पता नहीं कहाँ ले गए, फिर वापस ला के पेट्रोल पंप के आ गए ना, हमें छोड़ के चले गए। फिर वो सारे आदमी आ गए, मैं देख देख के कर एक आदमी ना आदमी कहता मैं आपके घर छोड़ने लगा, उन्हें भी मोबाइल पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए, फिर यहाँ हॉस्पिटल ले आए। चलो अल्लाह।